सर, पेशेंट्स में डर का सिम्टम्स कैसे ठीक करेंगे सर? डर आजकल बहुत आगे वो आता है ना, डर के आगे जीत है। एक्चुअली डर के आगे जीत नहीं है, डर के पीछे भी जीत नहीं है, डर के पीछे दुख है। देखो, चरक ने बड़ी अच्छी बात बोली है, दुखात भयम। जो व्यक्ति दुखी नहीं होगा उसे कभी भी फोबिया, डर नहीं हो सकता। दुखी इंसान ही डरेगा, जो खुश है उसको डर नहीं लगता। अब डर क्या है? केयरफुल होना वो डर नहीं है। यहां पे डर से मतलब है फोबिया, अनरियलिस्टिक विषय के बारे में डरना। जैसे अभी कुछ बम गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी में। ये जो एंजाइटी रिलेटेड जो फोबियाज है, उनका बेसिक रीजन इंसान का बहुत ज्यादा दुखी होना है। दुख को जीत लें तो उसकी प्रॉब्लम आप जीत सकते हैं। दुख को जीतने के लिए वातावरण को भी ठीक करना पड़ेगा। औषधियों में मानस मित्र वटी का रोल इसमें अच्छा है, लेकिन कंडीशंस को ठीक करने के लिए उसकी काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो दुख को जीतिए तो फोबिया डर ठीक कर लेंगे। दुख यही पेशेंट से पूछना भी है, पेशेंट कभी भी नहीं बताएगा कि वो डरता है। किसी से पूछेंगे आप कि मुझे डर लगता है क्या, कुछ लोग नहीं बोलना पसंद करते हैं, तो उसे ये पूछना चाहिए कि क्या आप दुखी होते हैं, तो बताएगा हाँ मैं दुखी तो हूं। दुखी व्यक्ति को डर लगता है, दुख को ठीक करें, डर ठीक हो जाए।